राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर कैसा रहेगा इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको वीडियो के अंत में बताएंगे वो खास उपाय जिसको करके कुंभ राशि और लग्न वाले देव गुरु बृहस्पति के इस गोचर का उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 1 मई को देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे और ये वृषभ राशि में अपनी यात्रा 14 मई 2025 तक जारी रखेंगे, यानी कि पूरे 1 साल के लिए वृषभ राशि में अब गुरु संचरण करेंगे। देव गुरु बृहस्पति एक राशि में 1 साल रहते हैं, इसलिए ये 12 साल बाद वृषभ राशि में गोचर करने के लिए आए हैं। बंधुओं, कुंभ राशि और लग्न वालों की चर्चा शुरू करने से पहले आपसे करबद्ध निवेदन है कि यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बंधुओं, देव गुरु बृहस्पति जिस जातक की कुंडली में उत्तम फलदायी होते हैं तो उस जातक के जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। उसको उत्तम शिक्षा प्राप्त होती है, उत्तम नौकरी, उत्तम व्यापार, उत्तम धन, सुलक्षणा पत्नी, सुलक्षणा संतान की प्राप्ति होती है। वहीं देव गुरु बृहस्पति विपरीत फलदायी हो तो जातक के जीवन में इन सभी वस्तुओं का अभाव रहता है, जीवन संघर्ष में होता है, परिश्रम से ही सफलताएं प्राप्त होती हैं। यही वजह है नवग्रह में देव गुरु का प्रमुख स्थान है। देव गुरु जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, उदय होते हैं या अस्त होते हैं, मार्गी होते हैं या बकरी होते हैं, तो इनकी इन सभी चालों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए अब देव गुरु बृहस्पति की 1 वर्ष के लिए यात्रा कैसी रहेगी ये चर्चा शुरू करते हैं। बंधुओं, कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव यानी कि धन भाव और लाभ भाव के अधिपति होकर के अब चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से देव गुरु बृहस्पति प्रमुख ग्रह हैं। बंधुओं, देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव आपकी प्रॉपर्टी का भाव है, हृदय संबंधी मामलों का भाव है, माता का भाव है, भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है। यदि देव गुरु बृहस्पति के चतुर्थ भाव के प्रभावों की चर्चा करें तो ये यहां आपको मध्यम फल प्रदान करेंगे। आपका धन भौतिक सुख सुविधाओं में खर्च होगा, यानी कि आप अपने आराम के लिए खर्च करेंगे। इसके साथ ही आप कोई नया मकान लेने का विचार कर रहे थे तो अब देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आपके नया मकान खरीदने के योग बनेंगे। इसी तरह नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी खरीद से समय कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रॉपर्टी से संबंधित कागजों को अच्छी तरह से जांच लें। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एक सलाह देते हैं कि व्यर्थ के कार्यों पर धन खर्च करने से बचें। जहां जरूरत हो वहीं धन को खर्च करें, धन का समन्वय अच्छे से करके चलें। तो चतुर्थ भाव में देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि और लग्न वालों को इस तरह के फल देंगे। बंधुओं, अब देव गुरु बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें तो देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव, 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव और उनकी 9वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होगी। देव गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाल करके अचानक आपको धन का लाभ दे सकते हैं, आपको पैतृक संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। विदेश से संबंधित जो लोगों का काम काज है उसमें तेजी देखने को मिलेगी। विदेश से धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग रिसर्च और शोध के काम से जुड़े हुए हैं उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। आपका मन धार्मिक कार्यों में इस 1 वर्ष के दौरान विशेष रूप से लगेगा। बंधुओं, देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके आजीविका के भाव पर होगी, पिता के भाव पर होगी। यदि इस भाव की चर्चा करें तो देव गुरु बृहस्पति यहां पर दृष्टि डाल करके आपको समाज में आपके कार्य क्षेत्र पर मान सम्मान दिलाएंगे। नौकरी में
आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, लेकिन अत आत्मविश्वास से आपको बचकर के रहना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस से आप बचकर के रहें तो नौकरी में आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी और व्यापार स्थान पर कोई भी कार्य करें तो स्वयं से देखें, अपने अधीनस्थों को, अपने कर्मचारियों पर ही पूरा काम न डाल दें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। नौकरी और व्यापार में परिश्रम से आपको लाभ प्राप्त होगा और देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बंधुओं, देव गुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होगी। ये खर्चों का भाव है, ये कानून से संबंधित मामलों का भाव है, विदेश से संबंधित मामलों का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है। यहां दृष्टि डाल करके देव गुरु बृहस्पति आपके खर्चों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। निवेश के रूप में ये खर्चे सामने आएंगे, यानी कि यहां व्यर्थ के खर्चों से तो आपको बचकर रहना ही है, लेकिन जो भी आप खर्च करना चाहते हैं वो निवेश के रूप में या कहीं इन्वेस्टमेंट के रूप में खर्च करते हैं तो वो आपको भविष्य में लाभ देने वाले होंगे। व्यर्थ के कार्यों पर सोच समझ करके खर्च करें। विदेश संबंधी मामलों में अब देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आपको सफलताएं मिलेंगी। आपके रुके हुए विदेश संबंधी मामले सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको परिश्रम से सफलता मिलेगी। यदि आपका कोई विवाद कोर्ट में चल रहा है तो वहां आप बहुत सिंसियर तरीके से काम करें तो आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। यदि हम कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए यदि सार की चर्चा करें कि देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में उनको किस तरह का फल देंगे, तो यहां वो उनको मिला जुला फल देंगे, अचानक से धन लाभ के योग बनाएंगे, तो ये कहा जा सकता है कि कुंभ राशि के लिए ये अच्छा रहेगा। अब बंधुओं, देव गुरु बृहस्पति 3 मई से 3 जून के बीच अस्त भी होंगे। उस समय आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना है, माता के साथ वाद विवाद की स्थिति से बचना है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसी तरह बंधुओं, जब 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 के बीच देव गुरु बृहस्पति वक्री होंगे, तब आप नौकरी और व्यापार में परिवर्तन सोच समझ करके करें। व्यापार में पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। नौकरी और व्यापार में वाद विवाद की स्थितियों से बचकर चलें तो कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, अब बात करते हैं उपाय की। आप भगवान श्री हरि की प्रतिदिन उपासना करें, हनुमान चालीसा के नित्य प्रति पाठ करें और मंदिर में केले का दान दें तो कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए ये गोचर उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका यदि कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।